हुनर मालूम है, जिस ओर चल पड़ेंगे रास्ता मिल जाएगा। ये कर दिखाया है लखनऊ के IAS टॉपर ने। आज हम उनके घर पे उनके पिता के साथ मौजूद हैं, आदित्य, जिन्होंने पूरे लखनऊ में जो है नाम तो रोशन ही किया है, इसके साथ में पूरे देश में जो है नाम रोशन किया है। उनके पिता हमारे साथ में बात करेंगे उनके साथ। सर, कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने देश बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग, बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। आपको उम्मीद थी कि बेटा इतना नहीं कर जाएगा? नहीं, कौन की उम्मीद तो नहीं रहती किसी को भी, हम लोग को भी नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद था कि टॉप 50 में आ जाएगा इस बार, क्योंकि पिछली बार हो चुका था उसका। इस बार एग्जाम भी उसके अच्छे हुए, तो हमको लगा था टॉप 50 में तो आना चाहिए, ये उम्मीद थी। आदित्य, 40 लाख रुपए का पैकेज था उनको IIT में, तो मतलब पहले से एक सिविल सेवा का जो जज्बा नहीं, वही था इसीलिए उसने छोड़ा। भाई एम था उसका सिविल सर्विस में जाने का, तभी उसने जॉब छोड़ के यहाँ पर आया। वो जॉब वहाँ गया भी था तो उसका यही था कि हम दोनों जॉब भी कर लेंगे और तैयारी भी कर लेंगे, दोनों चीज़ कर नहीं पाया। एक एक प्री प्री में उनका नंबर कमाया था, उसके बाद ही फिर रिजाइन करके आया। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई बहन के बीच कैसा प्रेम था? थोड़ा सा दोनों में 8 साल का अंतर है, मैंने वो बहुत ज़्यादा जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत तो इसमें इस एग्जाम में मेहनत की जरूरत होती है, पैसे चाहिए, विल पावर चाहिए और मेहनत जबरदस्त चाहिए। परिवार में कोई IAS वगैरह रहा? परिवार मामा जी हमारे हैं जो रिटायर्ड IAS है, वो एकेडमी जो मसूरी एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी लवासना, उसके डायरेक्टर हैं, रिटायर हुए, वो प्रेरणा स्रोत उसके इस मामले में। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप। धन्यवाद धन्यवाद। सूरमा नहीं विचलित होते, नहीं एक क्षण धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक माँ के साथ मैं बैठा हूँ, एक ऐसी माँ जिसके बेटे ने आज इतिहास रच दिया है और भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षा UPSC पास करके और देश में पहली रैंक पाई। सबसे पहले तो आभा जी, आपका बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है कि आपका बेटा UPSC में टॉप किया है, देश में नंबर 1 है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, ये बताइए, आदित्य ने वीडियो कॉल करके बताया रिजल्ट आने के बाद में, आपको पहले शब्द उसने क्या कहा और कैसा उसको लग रहा था, क्या कहा उसने? मम्मा, रिजल्ट आ गया है और रैंक 1 में हूँ। तो हम लोग तो इतना मतलब हार्ट बीट बढ़ गई और हुआ कि एक बार और देख लो बेटा, कन्फर्म कर लो फिर बताओ। तो उसने बोला कि फिर मैं कंफर्म करता हूँ, फिर किया, फिर उसने फ़ोन किया कि हाँ वही। आदित्य ने अब तक किन किन परीक्षाओं में टॉप किया है, कहाँ कैसी उसकी पढ़ाई गई? बचपन से उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अपने क्लास में भी वो टॉपर ही रहा। और ये जो होते हैं देश के NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होते हैं, उसमें किया है, सब फोटो लगा हुआ है उसका। और KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें भी आया। फिर IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद गोल्डमैन सैक्स में 1.5 साल नौकरी किया। सर्विस के बाद उसने रिजाइन करके ये जर्मनी भी गए हो तो क्या काम जी? जर्मनी आदित्य गया? नहीं, वो अमेरिका गया था अपने उससे ऑफिस की तरफ से। अच्छा, ट्रेनिंग में गया। घर पे कौन कौन है और आदित्य का क्या रूटीन था? घर में मेरी बेटी अभी दिल्ली में पढ़ रही है, एक बेटी है और वो आदित्य बेटा, और मम्मी पापा सास ससुर। बिटिया भी UPSC में जाना चाहेगी? कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन हर की अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई। हर माँ बाप के लिए सुखद क्षण होता है कि उसका बेटा अच्छे से अच्छा मुकाम पैदा करे, और लखनऊ के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि लखनऊ के एक लाल ने आज जो है देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की, यहाँ का नाम रोशन किया, और उनके माँ बाप को तमाम शुभकामनाएं। मैं आयुष तिवारी, अमर उजाला से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।